कनाडा इमिग्रेशन और उसका फ्यूचर आफ्टर 2024, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हों, स्टूडेंट्स हों या एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हों और नेक्स्ट 3 साल के इमिग्रेशन टारगेट्स हों, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन दिस ईयर और हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आई एम योर होस्ट सैम विद यू फ्रॉम वॉइसेस ऑफ ग्लोब। तो इसके ऊपर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सो 2024 में, स्टार्ट ऑफ 2024 में एक्चुअली आई वुड से एक बड़ी चेंज आई जब कनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर 30% जो है वो कैप लगा दिया जाए, 30-35%। और हमने देखा कि ये काफ़ी स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया गया और ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 30% से भी ज़्यादा, आई वुड से कि 50% तक जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो एडमिशन्स हैं उनके ऊपर इसका फ़र्क हमें नज़र आया। फिर उसके बाद हाउसिंग के इश्यूज़ चल रहे थे कि जी हाउसिंग का क्राइसिस चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, स्पेशली लिबरल गवर्नमेंट के ऊपर जो कि पिछले 10 साल से पावर के अंदर है। और अब दोबारा यहाँ पर भी इलेक्शन की जो है वो बाज़गश सुनाई दे रही है, तो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था जो कि एक इमिग्रेंट प्रो या इमिग्रेशन प्रो जो है वो गवर्नमेंट थी और इनके काफ़ी सारे वोटर्स का इन्हसार भी जो है वो न्यू इमिग्रेंट्स के ऊपर है। तो इन लोगों ने उस हीट को जो है वो महसूस किया, स्पेशली लास्ट ईयर एक दो मेरी मीटिंग्स हुई, दो एमपीज़ हैं सलमा ज़ाहा जो टोरंटो से हैं और शफकत अली ब्रैम्पटन से, तो उनके साथ डिस्कशंस में भी यही समझने को जानने को मिला कि अब इस गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इमिग्रेशन से और इधर से चेंज होकर जो है वो हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट और जो है इकॉनमी को ग्रो करने के ऊपर जाने वाली हैं जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। तो अभी मोस्ट रिसेंटली अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का ही तजिया करें और आप इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर या प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उनके पेजेस को अगर आप फॉलो करते हैं या आप उनको फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिकली भी, तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं। जैसे कि रिसेंटली पहले इन्होंने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर जो लो वेज LMIAs लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट थे उनको ऊपर इन्होंने पाज लगाया कि जी आप लो वेज वर्कर्स जो हैं वो कनाडा से बाहर से नहीं लेके आ सकते। और यस्टरडे इन्होंने अनाउंस किया कि कॉरपोरेशंस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन भी किया जाएगा जो कि अननेसेसरली जो है वो बाहर से टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स को लेकर आते हैं और लोकल मार्केट से वो हायर नहीं करते, तो उनको फोर्स किया जाएगा कि वो कैनेडियन मार्केट से लोगों को हायर करें ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बूस्ट करे और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो कैनेडियंस को और परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलें, जो कि खैर एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इसको करना और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस हैं लोगों के कि एकदम से आया ये एक पॉलिटिकल मूव है या इसकी वाकई ज़रूरत थी। ज़रूरत तो थी लेकिन ग्रेजुअली अगर इसको करते तो शायद अच्छा था। तो अब आजकल टॉक ऑफ द टाउन भी यही है कि कनाडा में इमिग्रेशन का फ्यूचर क्या होगा और टेम्प्रेरी वर्कर्स का भी और स्पेशली स्टूडेंट्स का भी। तो स्टूडेंट्स के ऊपर तो हमने देखा कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है वो सख्ती की गई है और की जा रही है, फिर चाहे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स हों वो भी अब हर किसी को नहीं मिलने वाले, वो भी उसमें ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक आप कह लें या आपकी सर्टन जो है वो डिग्रीज़ हैं जिसमें आपको मिलते हैं। एक मेन चीज़ उसमें थी कि जो अंडर ग्रेड्स हैं अब अंडर ग्रेड्स स्पाउजल स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है जो कि सबको मिलता था पहले, उसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो सख्ती की जा रही है। और फिर उसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन थी, ये एक मेजर चीज़ है और आई वुड से कि ये मेरे नज़दीक तो एटलीस्ट कैनेडियन इकॉनमी की बैकबोन भी है, क्योंकि कनाडा में हर साल जो है बहुत सारे लोग जो कि हज़ारों लाखों में तादाद है वो ओल्ड पीपल हैं और वो रिटायर हो रहे हैं। तो आपको इकनॉमिक जो एक किसी भी कंट्री का सिस्टम होता है या साइकिल होता है उसको रन करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, यंग मैन पावर की ज़रूरत होती है जो कि ये इकनॉमिक इमिग्रेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब एकदम से इसको भी कम किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 20% अनाउंस किया गया है कि इसको कम किया जाएगा। इस साल से लेके अगले 3 साल तक के जो इमिग्रेशन टारगेट्स थे वो 500,000
या उसके करीब थे, तो उसको कम करके अब नेक्स्ट ईयर 2025 का जो टारगेट है उसको 395 किया गया, फिर उसके बाद 2026 380 और 2027 ग्रेजुअली 365 तक जाएगा, जिसके ज़रिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाएगा और जो उसके जो बेनिफिट्स हों एज पर द लिबरल गवर्नमेंट वो कैनेडियंस को वो मिलेंगे। तो उसमें यही होगा कि कैनेडियंस के लिए थोड़ा सा फिर कंपटीशन कम होगा जॉब्स के हवाले से भी, स्पेशली कोर एरिया जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स का ट्रेंड यही देखने में आया कि वो ज़्यादातर यहाँ GTA टोरंटो रीजन, वैनकूवर, कैलगरी, मॉन्ट्रियल जो बड़े बड़े कनाडा के हब्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन छोटी छोटी जॉब्स जैसे टिम हॉर्टन्स हैं तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो लेट्स सी, देखें कि इससे कितना उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन फॉर नाउ लिबरल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ यही हैं कि हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम किया जाए और इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ऑल्दो इन्फ्लेशन देखने में आया है कि US एंड कनाडा बोथ दोनों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और रिसेंटली ही जो कैनेडियन सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट्स भी उन्होंने 0.5% मज़ीद कम कर दिए हैं, जिससे ये 3.75 के ऊपर आ गया है, जो कि काफ़ी एक खुशाइंद बात है और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें पॉलिटिकली तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बूस्ट देंगी, लेकिन फॉर नाउ कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, नॉट ओनली फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी बट ऑल्सो फ्रॉम हिज ओन पीपल। तो आज ही सुनने में आया कि 24 के करीब जो MPs हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो स्टेप डाउन करे और जो पार्टी की लीडरशिप है वो आगे किसी और को मुंतकिल की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली इमिग्रेशन के ऊपर भी असर डालती हैं, क्योंकि कनाडा में सबसे हॉट टॉपिक या ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन जो है वो इमिग्रेशन ही होता है और कनाडा वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीसरा कनाडा के जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का बहुत ज़्यादा इन्हसार जो है वो न्यू इमिग्रेंट्स के ऊपर है और इकोनॉमिक इमिग्रेशन के ऊपर है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो डिसहार्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो अभी अप्लाई कर रहे थे या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, तो उनके लिए ये थोड़ी सी ट्रैजिक न्यूज़ है। और दूसरा जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए भी ट्रैजिक न्यूज़ है कि जो लो वेज वाले थे, जो एक ड्रीम के साथ आते हैं कि हम कनाडा जाएंगे और जॉब के ऊपर और फिर आगे वो यहीं पर रह जाते हैं मैनी ऑफ देम, तो वो एक उस चीज़ को स्टॉप किया गया है। तो इसके ऊपर काफ़ी देर से हमारे हलकों में भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और जो यहाँ पे लोग थे वो ये बातें कर रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन एकदम से अब आंखें खोली हैं तो उन्होंने उसको बिल्कुल ही उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कैनेडियन इकॉनमी में काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कैनेडियन इकॉनमी में एवरी ईयर ऐड हो रहे थे। तो इसको जिस तरह से हैंडल किया गया वो मेरे नज़दीक एक अच्छा तरीका नहीं था, बिल्कुल इसको अगर वो ग्रेजुअली करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये एकदम से उसको पास करना और ये कोई इंटरनेशनली भी अच्छा मैसेज नहीं गया। बट आई फील के उससे अगर तो हाउसिंग पे कोई असर पड़ा है, हाउसिंग को ये कंट्रोल कर सकते हैं तो इन फेवर ऑफ कैनेडियंस एवरी गवर्नमेंट शुड डू डैट, बट अगर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली की जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एक तरफ वो बिलियंस ऑफ डॉलर कैनेडियन इकॉनमी में लेकर आ रहे थे तो ऑन द अदर साइड अगर वो पैसा नहीं आ रहा तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा और हर किस्म की जॉब्स जो हैं वो न्यू कमर करने पे रेडी होते हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट्स हों, चाहे वो सारा दिन खड़े होने वाली जॉब हों, एक्स्ट्रा आवर्स हों। तो ये एक थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि न्यू कमर्स की जो खिदमात होती हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कैनेडियन इकॉनमी के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। बट एनीवेज ये कुछ न्यूज़ थी, कुछ टॉक ऑफ द टाउन थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
जो कि डिस्कस होने वाले थे और काफ़ी दिनों से हमने बात नहीं की थी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम रेगुलरली जो है वो अपने वीलॉग्स का सिलसिला शुरू करेंगे। मोस्टली वॉइसेस ऑफ ग्लोब के प्लेटफॉर्म से ही आपको अपडेट किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड न्यूज़ अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और इससे जो भी जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। और साथ साथ आपको पता है कि हम लोग आपको अक्सर ट्रैवल से रिलेटेड जो है वो भी प्लेसेस दिखाते रहते हैं, तो वो भी सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इवन टिकटॉक के ऊपर हमारा सेम हैंडल है जो कि वॉइस ऑफ ग्लोब है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय फॉर नाउ।